नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी लाइव और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में लॉ फर्म के दफ्तर पर छापा, 10 करोड़ रुपए बरामद। बरामद की गई रकम में 2.5 करोड़ रुपए के नए नोट भी शामिल। मामले में कुछ बड़ी गिरफ्तारियों के संकेत। अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में पूर्व वायुसेना प्रमुख SP त्यागी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लपेटा, कहा हेलीकॉप्टर डील में PMO भी था शामिल। 4 दिन की CBI रिमांड पर हैं SP त्यागी। पूर्वोत्तर राज्यों में भूकंप के हल्के झटके, जानमाल के नुकसान की सूचना रही। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई। उत्तराखंड के नैनीताल के गागर इलाके में हुआ भूस्खलन, हादसे में 8 लोगों की मौत। मरम्मत के दौरान पहाड़ का हिस्सा गिरा। कॉटेज पर प्रशासन ने दिए मामले की जांच के आदेश। इस्तांबुल में फुटबॉल स्टेडियम के बाहर हुआ दोहरा आतंकी हमला, धमाके में 29 लोगों की मौत, 166 घायल। अब तक किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। और भारत इंग्लैंड मुंबई टेस्ट का 4th दिन, टीम इंडिया को मिली बड़ी बढ़त। टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने ठोका दोहरा शतक। अब तक की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।